आदर्श तिवारी और शुरुआत करते दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, थोड़ी ही देर में ये सीईसी की बैठक शुरू होगी। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा, पांच चुनावी राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर मंथन होगा और साथ ही एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी यह मंथन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सीईसी की बैठक, थोड़ी ही देर में सीईसी की बैठक शुरू होगी। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी, पांच चुनावी राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर इसमें मंथन होगा। एमपी के लिए प्रत्याशियों के नामों पर भी मुहर लग सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में चुनावी एजेंडा भी सेट किया जाएगा। थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक दिल्ली में होगी। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित सिधा जुड़ गए हैं। मोहित, कितनी देर का इंतजार, कितनी देर में यह बैठक शुरू होने वाली है और चुनावी राज्यों के लिहाज से मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को समझें? यही पर फाइनल टच, फाइनल 9 प्रत्याशियों की सूची पर लगाई जाएगी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 100 उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी और कई दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और इस वक्त आपको ताजा सूरत हाल हम बता दें कि सोनिया गांधी यहां पे पहुंच चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार किया जा रहा है, राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी महासचिव हैं वो पहुंच चुके हैं। जो केंद्रीय चुनाव समिति के जो मेम्बरान है, श्याम के सिंहदेव की बात कर लें या हम दूसरे मेम्बरान की बात कर लें, अजय कुमार लल्लू की बात करें जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, वो सारे के सारे नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर के बाद ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहुंचेंगे तो बैठक शुरू हो जाएगी। संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल भी पहुंच गए। इसी कांग्रेस लगातार कई दौर की बैठकें स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली के वॉर रूम में कर चुकी है और अब फाइनल टच, फाइनल मुहर प्रत्याशियों के ऊपर लगाई जाएगी। करीब 150 सीटों पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है, पैनल बनाया जा चुका है और हर सीट पे एक से दो उम्मीदवारों का पैनल बनाया जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति का काम ये होता है कि दो से तीन पैनल है उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाए और एक व्यक्ति को मेरिट के आधार पर चुना जाए और इस बार कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को जो को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि 15 महीने की सरकार ज्योतिराज सिंधिया पूरी की सरकार भारतीय जनता पार्टी में लेकर चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे और करीब 23 विधायक टूट गए थे। तो ऐसे में कोशिश यही होगी कि जिताऊ के साथ साथ जो है टिकाऊ उम्मीदवारों का चयन आज की बैठक में किया जाए। बिल्कुल, और टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। क्या यहां से चुनावी एजेंडा भी सेट किया जा सकता है और क्या ये मोहित पूरी तरीके से आने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर ही फोकस्ड बैठक है? देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर ये बैठक है और किसी राज्य को लेकर ये बैठक नहीं है। और इस बैठक में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं करीब 100 सीटों पर चर्चा की जाएगी और इस बैठक में सुनील कोंगोलू जो जाने माने रणनीतिकार हैं कांग्रेस पार्टी के वो भी इस बैठक में रहेंगे। लगातार उन्होंने कई दौर की सर्विस की है। इस वक्त हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि सुनील कोंगोलू यहाँ पे देखिए ये आ चुके हैं। सुनील कोंगोलू इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी के मौजूदा वक्त के सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक है। कर्नाटक में भी इनकी अहम भूमिका रही है, तेलंगाना में ये लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और तेलंगाना में काम करने के साथ साथ ये जो है आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये काम करता है। इस वक्त आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तमाम जो नेता हैं वो उनके साथ यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश यही है की आज की बैठक ठीक। मोहित, आप लगातार नजर बनाए रखिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी ही देर में ये बैठक अब शुरू होने वाली है। जो मोहित जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे सब पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है जिसमें मध्य प्रदेश पर ये फोकस्ड बैठक है और इस बैठक में करीब 150 उम्मीदवारों को लेकर नामों के मुहर लग सकती है, फाइनल हो सकते हैं।
ये इस बीच सीधी तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीरें जरा देखिए, राहुल गांधी पहुंच गए हैं कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी पहुंच गए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी पहले ही पहुंच चुकी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ वो भी पहुंचे हुए हैं। और अब आपको रायपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां